हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज स्टोरी हिंदी डबिंग के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसी ताज़ा गेम जिसमें से अभी भी भाप उठ रही है। जी हाँ, क्योंकि ये रिलीज़ हुई है 7 सितंबर को और आज 10 सितंबर को आपके सामने इसकी पूरी स्टोरी हिंदी में रिवील करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्पाइडरमैन एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम है जिसे डेवलप किया है इंसोमैनिक गेम ने और इसे पब्लिश किया है सोनी इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट ने, जो कि एक्सक्लूसिव प्लेस्टेशन 4 के लिए ही रिलीज की गई है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इंसोमैनिक गेम की पहली लाइसेंस गेम है जिसमें स्पाइडरमैन की एक नई कहानी दिखाई गई है जो मौजूदा कॉमिक बुक या वीडियो गेम या फिर किसी भी फिल्म की कहानी से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि कहानी में आपको फिल्म से भी ज्यादा मजा आएगा और जो लोग इस गेम को खेल चुके हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस स्टोरी में, और जिन्होंने नहीं खेली है उनकी एक्साइटमेंट 10 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी है तो प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरी कहानी को देखिएगा और उसका पूरा मज़ा लीजिएगा। तो हो जाए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं पीटर को स्पाइडरमैन के ड्रेस को पहनकर क्राइम सीन पर पहुंचते हुए और एक हीरो के माफिक एंट्री के साथ स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को रोकता है और एक बिल्डिंग में जाकर कंसोल टाइम स्टॉप करके वहां विल्सन के लोगों को मारता है। दोस्तों, आप इसका गेम प्ले भी एंजॉय कर सकते हैं। तभी यूरी के भेजे हुए बॉम्ब स्क्वाड के लोग उस पर ही पीछे से हमला करने लगते हैं, मगर स्पाइडी सेंस के वजह से स्पाइडरमैन उनके किए हमले को नाकाम करते हुए कहता है कि तुम्हारा प्लान चौपट हो गया है, अब प्लान बी बनाओ। उन्हें मारने के बाद स्पाइडरमैन विल्सन फिस्क के पास पहुंचता है। विल्सन उसे कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज किया है इतने दूर तक आकर, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी अब खत्म होने वाली है। ऐसा कहते हुए विल्सन एक टेक्निकल गेट के पीछे चला जाता है जिसे देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि शायद तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें अभी भी देख पा रहा हूँ। और दोस्तों, इतने में वहां के पिलर से रोबोटिक गन निकलकर हमला करने लगती है। Oh, for me? You shouldn't have. Gotta wait for an opening. जिसे स्पाइडरमैन तोड़कर विल्सन का इलेक्ट्रिक शील्ड तोड़ता है। शील्ड तोड़ने पर विल्सन गुस्से से स्पाइडरमैन से लड़ता है। दोस्तों, फिर सुपर एक्शन के साथ दोनों में फाइट होती है। जिसमें स्पाइडरमैन विल्सन को हराकर पुलिस के हवाले कर देता है। शहर को विल्सन से बचाने के बाद स्पाइडरमैन पीटर बनकर ऑटो के पास पहुंचता है। वहां रोबोटिक सेंसर आर्म इस्तेमाल करते हुए ऑटो कहता है कि कुछ ही देर में यहां ग्रांट कमेटी के डायरेक्टर आने वाले हैं। मैंने ये इक्विपमेंट बनाया है और मेरे ख्याल से मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इतने में वहां पावर डैमेज होता है जिसे देखते हुए पीटर कहता है कि शायद हमें इसे रोक देना चाहिए, पर उतने में ही ऑटो को करंट लगता है जिसे देखकर पीटर मैन पावर को शट डाउन कर देता है। और तभी वहां ग्रैंड कमेटी के लोग आ जाते हैं जो उनके लैब को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। पीटर सारी गलती खुद पर लेने की कोशिश करता है, मगर ऑटो उसे रोकते हुए घर जाने को कहता है। बाहर जाने के बाद पीटर स्पाइडरमैन का सूट पहनकर यूरी से मिलने जाता है। वहां पहुंचकर स्पाइडरमैन कहता है कि तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया है,
क्या मेरे साथ डेट पर चलना चाहती हो? जिसे सुनकर यूरी कहती है कि मैं काम करते हुए थक गई थी, इसलिए मैंने किसी भरोसे वाले को यहाँ बुलाना सही समझा। हर सिविलियन टावर ऑफलाइन हो चुका है, क्या तुम उन्हें फिर से ऑनलाइन कर सकते हो? जिसे सुनकर स्पाइडरमैन टास्क को एक चैलेंज के तौर पर लेकर सारे सिविलियन टावर्स को ऑनलाइन करने लगता है और उसी के साथ शहर में हो रहे क्राइम्स को भी रोकता है। जिसके बाद पीटर ऑटो के लैब में जाकर अपने सूट को ठीक करने का सोचता है, मगर तभी डॉक्टर ऑटो वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर पीटर स्पाइडरमैन के कपड़ों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ऑटो स्पाइडरमैन के सूट्स को देखकर कहते हैं कि तो वो तुम हो। जिसे सुनकर पीटर उनसे कहता है कि नहीं, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, बस उसके लिए छिपकर काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। डॉक्टर ऑटो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सीक्रेट बाहर नहीं आएगा। दोस्तों इसके बाद पीटर सूट पर काम करते हुए सो जाता है। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो उसे एक ईमेल चेक करने के लिए नोट मिलता है, जिसे देखने के बाद पीटर अपने अपग्रेड सूट को टेस्ट करता है और तभी उसे मिस्टर ली का फोन भी आ जाता है, जो पीटर को पार्टी के लिए बुलाते हैं। पीटर फिर जाकर ली से मिलता है और ली पीटर को आंट मे को कुछ देर बिजी रखने के लिए कहता है। पीटर आंट मे को कुछ देर रोके रखता है और ली केक तैयार करके आंट मे को सरप्राइज कर देता है। पार्टी के समय पीटर को मैसेज आता है, जिसे देखकर पीटर पार्टी से चला जाता है और स्पाइडरमैन के वेश में वो यूरी के बताए ऑक्शन हाउस जाता है। वहां वो कुछ मास्क पहने क्रिमिनल्स को देखकर यूरी को बताता है कि कुछ लोग यहाँ किसी फाइल को लेकर एक कर्मचारी को गन पॉइंट पर रखे हुए हैं। ये सुनकर यूरी स्पाइडरमैन से कहती है कि मैं कुछ ही देर में अपने लोगों को भेजती हूँ, तब तक तुम उन लोगों को छिप कर मारो। यूरी की बात सुनकर स्पाइडरमैन मास्क पहने क्रिमिनल्स को मारता है और एक कैमरे को देखते हुए उसे एक बचा हुआ क्रिमिनल पकड़ लेता है। इतने में उसे पीछे से एमजे मार गिराती है। एमजे को देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसका जवाब देते हुए एमजे कहती है कि कुछ नहीं पीटर, बस काम कर रही हूँ। फिर स्पाइडरमैन उसे कैमरा देता है और कैमरे को लेकर एमजे उसे यहाँ क्या हुआ उसके बारे में बताने लगती है। दोस्तों जिससे गेम हमें 15 मिनट पहले ले जाती है, जहाँ एमजे फिक्स एस्टेट का जायजा करने आती है। यहाँ एमजे को रोकते हुए रोज रोजमैन कहती है कि क्रैक ने कहा है कि स्टोरी कवरेज को कल करना है, तो आपको कल ही आना चाहिए। जिसे सुनकर एमजे वहां से जाने लगती है और क्रैक को फोन करके सारी बात बताती है। इतने में एमजे की बात सुनकर रोज रोजमैन एमजे के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद रोज रोजमैन उसे सारी एंटीक चीजों के बारे में बताती है और तभी बातों बातों में एमजे उससे विल्सन फिस्क से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में पूछने लगती है। इन सब चीजों को टालते हुए रोज रोजमैन उसे कवरिंग फोटो लेकर जल्दी जाने के लिए कहती है। रोज रोजमैन को फोन आ जाता है, जिसे उठाकर वो एमजे को रुकने के लिए कहकर एक कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते वक्त रोज रोजमैन दरवाजा बंद करना भूल जाती है, जिस वजह से उस रूम में रखे स्टैचू को देखकर एमजे को शक होता है और वो उसकी तस्वीर लेने लगती है। इतने में वहां रोज रोजमैन आकर उसे जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर एमजे रेस्ट रूम जाने का बहाना करती है। रेस्ट रूम के बहाने एमजे को मौका मिलता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो छिपकर स्टैचू वाले कमरे में जाकर एविडेंस ढूंढने लगती है और तभी वहां कुछ लोग मास्क पहने हुए हमला कर देते हैं, जिसे बचते हुए एमजे स्पाइडरमैन से मिलती है। प्रेजेंट टाइम में एमजे की बात सुनकर स्पाइडरमैन मास्क पहने लोगों को मारकर एमजे को वहां से सुरक्षित निकालने का रास्ता बनाता है, मगर कुछ क्रिमिनल्स एमजे को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर स्पाइडरमैन उनसे लड़कर उसे बचा लेता है, मगर एविडेंस वाली फाइल लेकर एक मास्क मैन भाग जाता है। जिसके बाद वहां पुलिस आती है और एमजे रोज रोजमैन से फाइल के बारे में पूछने लगती है।
लेकिन रोज उसे फाइल के बारे में कुछ नहीं बताते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद एमजी पीटर से डिनर पर मिलने जाती है और वहां दोनों अपने ब्रेकअप के बारे में बात करने लगते हैं कि तभी वहां से कुछ पुलिस वाले जाते दिखते हैं, जिन्हें देखकर पीटर एमजी को छोड़कर पुलिस के पीछे जाता है। ये सब देखकर एमजी थोड़ी भावुक होकर होटल से जा रही होती है कि उसे स्टैनली कहता है कि तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, मगर तुम मेरी हमेशा फेवरेट रहोगी। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन क्राइम पॉइंट पर पहुंचता है, जहां उसके सामने शॉकर नाम का एडवांस रोबोटिक सूट पहने विलेन आता है, जिससे पकड़ने के बाद स्पाइडरमैन एमजे को कॉल करता है। एमजे कहती है कि मैंने देखा टीवी पर तुम्हें शॉकर को पकड़ते हुए, क्या तुम मेरी स्टोरी के लिए मिस्टर ली से बात कर सकते हो। ये सब सुनकर स्पाइडरमैन उसे डिनर पर आने के लिए थैंक्स कहता है और स्टोरी के लिए मदद करते हुए मिस्टर ली के पास जाता है। पीटर ली के पास जाकर उन्हें बताता है कि मेरी दोस्त है मैरी, जो कि एक रिपोर्टर है, आर्ट से रिलेटेड स्टोरी पर काम कर रही है। उसे कुछ पीसेस मिले हैं और वो किन्हीं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी चाहती है। तभी मुझे आपका ख्याल आया, जिसे सुनकर ली कहता है कि चलो, पहली बार मेरी डिग्री किसी के काम आई, बताओ वो क्या चीज है। ली के राजी होने पर पीटर उन्हें क्रिमिनल का पहना मास्क दिखाता है। मास्क को देखकर ली कहता है कि ये मास्क खतरनाक लोगों से जुड़ा हुआ है, मेरी जॉन को किसी और स्टोरी पर काम करना चाहिए, बेकार में रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सब सुनकर पीटर एमजे को फोन करके बताता है कि मास्क के सिंबल का मतलब है डीमन, और मिस्टर ली तुम्हें स्टोरी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, मैंने पहले उन्हें कभी इतने सीरियस रूप में नहीं देखा है। पीटर की बात सुनकर एमजे कहती है कि चलो, हमें उनका नाम तो पता चला डीमन, चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर ऑटो एक पेंशन को रोबोटिक आर्म देकर अपने काम से खुश हो रहे होते हैं। तभी सिटी वर्कर आकर उनके लैब को बंद करने लगते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर ऑटो मेयर ऑफिस में फोन करने लगते हैं, मगर तभी वहां नॉर्मन आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर ऑटो कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब नॉर्मन कहता है कि ये सब केवल सेफ्टी के लिए हो रहा है और कुछ नहीं, तुम ये सब फिर से शुरू कर लेना किसी सुरक्षित एनवायरनमेंट में। जिसे सुनकर डॉक्टर ऑटो कहते हैं कि तुम थोड़े ही नहीं बल्कि बहुत बदले हो। नॉर्मन के जाने के बाद पीटर डॉक्टर ऑटो से कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब फिर से शुरू कर लेंगे। डॉक्टर ऑटो कहते हैं कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और बिना सिटी ग्रांट के परमिशन के मैं तुम्हें सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ टाइम सोचने के लिए भी चाहिए। जिसके बाद स्पाइडरमैन को यूरी का फोन आता है, वो उसे बताती है कि शॉकर जेल से भाग गया है और उसने एक बैंक पर हमला किया है। ये सब सुनकर स्पाइडरमैन बैंक के पास जाकर शॉकर से लड़ता है। उससे लड़ते हुए स्पाइडरमैन उसे बातों बातों में निकलवाता है कि कोई मास्क वाला शख्स है जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। शॉकर को पकड़वाने के बाद स्पाइडरमैन यूरी को मास्क वाले लोगों के बारे में पता करने के लिए कहता है। मास्क वालों का पता करने पर यूरी स्पाइडरमैन से कहती है कि वो लोग विल्सन फिस्क के पीछे हैं, यानी एक तरह का गैंग वॉर होने वाला है। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक आज फिस्क के शिपयार्ड में हमला हो सकता है। जिसे सुनकर स्पाइडरमैन शिपयार्ड में पहुंचता है और वहां फिस्क के लोगों को मारकर यूरी के ऑफिसर से भी मिलता है। फिर दोनों साथ मिलकर यार्ड में सर्च करते हैं। यहाँ ऑफिसर नोटिस करते हैं कि यह यार्ड में कोई सीक्रेट रूम जरूर है, जिसे ढूंढते हुए दोनों को वो सीक्रेट अंडरग्राउंड डोर मिल जाता है, जिसमें जाने पर इन्हें कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे ऑफिसर अनुमान लगाते हैं कि जरूर डीमन लोगों ने यार्ड पर हमला किया है। ये सब देखते हुए दोनों डीमन तक पहुंच जाते हैं। वहां स्पाइडरमैन देखता है कि डीमन के लोग फिस्क के यार्ड से हथियार ले जा रहे हैं। ये सब देखकर दोनों डीमन के लोगों पर हमला कर देते हैं और अपने ऊपर हावी होता देख डीमन के लोग
ट्रक लेकर भागने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए स्पाइडरमैन शहर के दूसरे लोगों को बचाने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए उसे मारने के लिए डीमन का एक आदमी उसे ट्रक से ठोकने ही आता है कि तभी जबरदस्त स्लो मोशन के साथ उस ट्रक को ऑफिसर जैक आकर ठोक कर स्पाइडरमैन को बचा लेते हैं। जिसके बाद वहां न्यूज वाले आ जाते हैं और तभी लोगों की नजरों से बचते हुए एमजे डीमन के लोगों की ट्रक से कुछ सबूत ढूंढने चली जाती है। इसे देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि जितना तुम उन लोगों के नजदीक जाओगी उतना ही खतरों में पड़ोगी, लेकिन वो स्पाइडरमैन की एक बात नहीं सुनती और ऑफिसर जैक को डीमन के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए मना लेती है। इसके बाद घर जाने के बाद पीटर देखता है कि रेंट ना देने की वजह से उसके घर वालों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। ये सब सुनकर दुखी होते हुए पीटर कचरे के डिब्बे में अपने सामानों को ढूंढने लगता है, पर सामान ना मिलने पर वो फोन करके पता करता है कि कचरा उठाने वाली ट्रक इस वक्त कहाँ होगी, जिसे वो स्पाइडरमैन बनकर ढूंढता है। ट्रक मिलने पर वो अपने प्रोजेक्ट का पेन ड्राइव लेकर एमजे के घर जाता है, लेकिन एमजे के बिजी होने के कारण वो बाहर ही बैठा रहता है कि तभी उसे एक वॉइस मेल आता है जिसमें कोई अनजान लड़की उसे एड्रेस भेजकर मिलने को कहती है। ये सब देखकर वो उस एड्रेस पर पहुंचता है और नोट को देखने पर समझ जाता है कि ब्लैक कैट फिर से गलत काम करने लगी है, जिसे वो यूरी को बताता है। इतने में आंट में उसे कॉल करती हैं, जिन्हें वो बताता है कि उसकी लैब बंद हो गई है और उसका अपार्टमेंट भी उससे छीन लिया गया है। ये सब सुनकर आंट में उसे अपने ऑफिस में सोने के लिए कहती है। दूसरे दिन नींद खुलने पर आंट में कुछ पैसे देते हुए पीटर से कहती है, जब मदद की जरूरत होती है तो कह दिया करो, तुम बिल्कुल बेन की तरह हो। वहाँ बातों ही बातों के बीच में ली भी आ जाता है और वो आंट में से कहता है कि किसी काम से मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तब तक ऑफिस का काम तुम्हें देखना होगा। ली की बात सुनकर पीटर सेवन से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो ली कहता है कि मैं काफी समय से पर्सनल बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, जिसे कहकर ली वहां से चला जाता है। और तभी पीटर को एमजे फोन करके अपने साथ न्यूज कवरिंग के लिए बुलाती है। ये मैसेज सुनकर पीटर स्पाइडरमैन के ड्रेस में सिटी से होते हुए चला जाता है और तभी उसे ऑफिसर जेफ का फोन आता है, जो बताते हैं कि फिक्स कंस्ट्रक्शन साइट पर डेमन्स ने हमला किया है। ऐसा सुनकर स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है और विल्सन फिस्क के वर्कर को बचाकर विल्सन से फोन पर बात करता है। स्पाइडरमैन उसे पूछता है कि डेमन्स का लीडर कौन है। ऐसा सुनकर विल्सन कहता है कि पहले मेरे लोगों को बचाओ, फिर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। विल्सन की बात मानकर स्पाइडरमैन उसके लोगों को बचाकर उनसे पूछता है कि अब तो मुझे बता दो कि कौन है डेमन्स का लीडर। तब विल्सन उसे बताता है कि वो शायद उसी बिल्डिंग के टॉप पर है, जाकर खुद चेक कर लो। विल्सन की बात सुनते ही स्पाइडरमैन रूफ पर जाकर हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, मगर डेमन्स के लोग उस पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, इस वजह से बिल्डिंग की अंडर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट टूटकर गिरने लगती है, जिसे रोकने की कोशिश करते हुए स्पाइडरमैन को आकर क्रेन का हुक लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप लोग गेम प्ले में देख सकते हैं कि किस तरह स्पाइडरमैन उस हादसे को होने से रोकता है। That just happened? Yeah. I'm getting reports of a helicopter with a wrecking ball? Yeah, things with the demons got... Ah!
this the flight to Newark? Afraid I have to ask you to pull over the helicopter, sir! This is your master plan? Replace Fisk? Fisk is only the beginning! I need to disable the helicopter's engines. One engine down. Now for the second. Need a plane. Plan real fast. I guess this is the plan! Come on, Pete, you got this! You got this, you got this, you got this! Please don't screw this up! डेमन्स के हेलीकॉप्टर को तबाह करके वहां से चला जाता है। उसी जगह माइल्स सिविलियंस के साथ स्पाइडरमैन के इस कारनामे को अपने फोन में कैप्चर कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने पिता जेफ के सेरेमनी में जाता है। सेरेमनी में जाते समय ऑफिसर जेफ बहुत घबराते हैं और कहते हैं कि वहां बहुत भीड़ होगी, मैंने आखिरी बार अपने कॉलेज में भाषण दिया था। जिसे सुनकर माइल कहता है कि कोई बात नहीं डैड, आप कर सकते हैं, आखिरकार आपने स्पाइडरमैन को बचाया था, इससे लोग आपको ऑफिशियल सुपरहीरो बना लेंगे। दूसरी तरफ पीटर भी एमडे से उस सेरेमनी में न्यूज कवरेज के टाइम पर मिलता है। पीटर एमडे को बताता है कि शायद अब फिस्क और डीमन के बीच का गैंग वॉर खत्म हो चुका है। इसी टाइम ऑफिसर जेफ मेडल ऑफ ऑनर पाने के बाद स्पीच देते हैं, तभी नॉर्मन को एक अनजान फोन आता है जो कि इसी वक्त का इंतजार करता है और सिटी को डिस्ट्रॉय करने की बात बताता है। जिसे सुनकर नॉर्मन तो वहां से एमजीआर चला जाता है, लेकिन तभी पीटर को भी कुछ सेंस होता है और फिर वहां कुछ लोग सेल्फ डिस्ट्रॉय होकर धमाका कर देते हैं। दोस्तों इसी धमाके में माइल्स और पीटर दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। होश आने पर दोस्तों उसकी मॉम अपने पति जेफ को ढूंढने चली जाती है, जिनका पीछा करते हुए माइल्स भी हादसे वाली जगह पर जाने लगता है। मॉम की तलाश करते हुए उसे उसकी मॉम एक मलबे में आधी फंसी हुई दिखती है, जिन्हें देखकर वो मलबे को हटाता है और अपनी मॉम को बचाने के बाद अपने पिता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आगे जाने पर वो देखता है कि उस जगह पर कुछ लोग और लोगों को मार रहे होते हैं। उनकी नजरों से बचते हुए माइल्स एक मास्क वाले शख्स पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो उल्टा ही माइल्स को मारने वाला होता है कि तभी दोस्तों उसे रोकते हुए मिस्टर ली वहां से सबको चलने के लिए कहते हैं। डेमन्स के जाने पर माइल्स अपने पिता जेफ की बॉडी के पास जाता है और इसी सैड सीन के साथ कहानी एक हफ्ते आगे चली जाती है, जहां ऑफिसर जेफ को अंतिम विदाई दी जा रही है। जेफ की अंतिम विदाई में पीटर आकर माइल्स से कहता है कि मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं जानते हो, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जिसे माइल्स काटते हुए कहता है कि मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि ये सब आसान नहीं है, शांत रहो, भगवान हर चीज डिसाइड करते हैं, मैं जानता हूं सब। वहां से जाने के बाद स्पाइडरमैन यूरी को फोन करके कहता है कि क्या तुम मार्टिन ली के बारे में पता करोगी, वो ही हादसे का जिम्मेदार है। स्पाइडरमैन की बात सुनकर यूरी कहती है कि तुम्हें पहले उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। ये सब सुनकर वो एमजे को फोन करता है और एमजे उसे मार्टिन ली का एक एड्रेस सेंड करते हुए कहती है कि जो डेमन्स के लोग अरेस्ट हुए थे उन लोगों से पता चला है कि ली किसी के भी अंदर के नेगेटिव पार्ट्स को टारगेट करने की शक्ति रखता है।
शायद किसी तरह का माइंड कंट्रोल। ऐसा सुनने के बाद स्पाइडरमैन वहां जाता है और वहां से उसे ली का पूरा प्लान पता चलता है और वो यूरी को फोन करके बताता है कि ली ने नॉर्मन के कैप्टन ऑफिस को टारगेट किया है, जिसे सुनकर यूरी कहती है कि अगर इस बार तुम गलत निकले तो मुझे नई जॉब तुम ही ढूंढ कर देना। यूरी को खबर देने के बाद स्पाइडरमैन ली के प्लान का पता करने के लिए कंसोलिडेट शिपिंग साइट पर पहुंचता है और वहां डेमन्स के लोगों को मारता है। तभी वहां अनजान फोर्स आती है जो डेमन्स के आदमियों को गोली मारने ही वाली होती है। इसे देखते हुए स्पाइडरमैन उन्हें रोकता है और कहता है कि ये हमारा तरीका नहीं है किसी की जान लेने का। लेकिन देखते ही देखते वहां बहुत सारी फोर्स आ जाती है और एक लड़की आकर स्पाइडरमैन को पकड़ लेती है, जिसे रोकते हुए यूरी कहती है कि ये लोग मेयर ऑसबॉर्न के प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स हैं। और सिल्वर सेबल स्पाइडरमैन से कहती है कि अगर तुम अगली बार हमारे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद पीटर आंट में से जाकर मिलता है और उन्हें ऑफिसर जेफ के परिवार का नंबर देता है। बातों बातों में पीटर मे से पूछता है कि क्या आपको पता है कि ली कब तक वापस आने वाले हैं? जिसे सुनकर मे उससे कहती है कि मुझे नहीं पता वो कब तक आने वाले हैं। तो वो मे की बात सुनकर पीटर ली के कैबिन में जाकर एक एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे एक पॉड मिलता है, जिसे सुनने के बाद जैसे ही पीटर वहां से हटता है पूरे रूम में इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हो जाता है। रूम से बाहर आने पर उसे ली दिखाई देता है जो कि पीटर से पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला जिसे तुम ढूंढने आए थे। मगर तभी उसकी बातों के बीच आंट में आती है और वो ली को सिटी में हुए हादसे के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर ली कहता है कि आप लोग ठीक हो बस वो सबसे अच्छी बात है। मुझे अपने ऑफिस से कुछ काम की चीजें लेनी है और मैं आप दोनों से जल्दी मिलूंगा, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तब। फिर जैसे ही ली वहां से जाने लगता है पीटर उसके पीछे जाता है, मगर तभी पीटर का स्पाइडी सेंस होता है और उस पर हमला होने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए ली वहां से भाग जाता है और ये सब बात स्पाइडरमैन यूरी को बताता है। अब स्पाइडरमैन एमजी के साथ डिनर भी प्लान करता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर ऑटो का फोन आता है जो उसे अर्जेंट में अपने लैब में बुला रहे होते हैं। लैब में पहुंचने पर डॉक्टर ऑटो उसे खुशी खुशी अपना नया प्रोजेक्ट दिखाते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ होता है जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मन को कोसने लगते हैं। डॉक्टर ऑटो को गुस्से में देखते हुए पीटर कहता है कि लगता है आप उसे वोट नहीं देने वाले हो। ओह माफ करना, मेरी आदत है टेंशन के समय बुरे जोक मारने की। मैं ये सब साफ कर देता हूँ कि हम फिर से टेस्ट करेंगे। जिसे सुनकर डॉक्टर ऑटो हंसते हुए पीटर से कहते हैं ये तो अच्छा जोक था। जिसे सुनने के बाद वो पीटर के पूछने पर बताते हैं कि नॉर्मन और मैं लैब पार्टनर थे किसी समय में, लेकिन फिर हम दोस्त बन गए और खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचने लगे और फिर वो कुछ ऐसी चीजें और ऐसे काम करने लगा जिसकी वजह से मुझे उससे अलग होना पड़ा, जिसके बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, परंतु अगर ये प्रोजेक्ट काम नहीं किया तो। ऐसा सुनकर पीटर कहता है कि चिंता मत करो ये प्रोजेक्ट काम करेगा, मुझे कुछ टाइम दो मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये सब सुनकर डॉक्टर ऑटो उसे काम करने के लिए कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं, जिसके बाद पीटर प्रोजेक्ट को फिक्स करके रीटेस्ट करने के लिए कहता है। ये सब देखते हुए डॉक्टर ऑटो पीटर से कहते हैं कि इस बार उसे तुम टेस्ट करो, फिर प्रोजेक्ट को टेस्ट करने पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर उसे कहते हैं कि मेरे पास अभी भी उतना फंड नहीं है जिससे मैं तुम्हें सैलरी दे सकूं। मगर पीटर डॉक्टर ऑटो से कहता है कि मैं जानता हूं, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ रास्ता खोज लूंगा उन सब के लिए, कुछ पैसों के साथ हम दुनिया को जरूर बदल देंगे। पीटर की बात सुनकर डॉक्टर ऑटो खुश हो जाते हैं, जिसके बाद पीटर एमजे के घर जाता है और वहां एमजे उसे कहती है कि जो तुमने मुझे एड्रेस दिया था वहां मुझे ये मिला।
जिसके बाद कहानी कुछ दिन पहले चली जाती है, जहां एमजे पीटर के बताए एड्रेस पर जाती है। डॉम्पस्टोन दिखाई देता है कि खुद के सर में गोली मरवाता है और गोली उसे पार भी नहीं कर पाती है। उसकी नजरों से बचते हुए उसे एक जीपीएस प्रोटोटाइप मिलता है, जिसे वो अपने साथ लेकर आती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पीटर कहता है ठीक है मगर अगली बार ऐसा कभी मत करना। जिसके बाद बातें करते हुए एमजे कहती है कि क्यों ना हम टीम बनाकर काम करें। एमजे के मुंह से टीम की बात सुनकर पीटर कहता है कि तुम मेरी सहायक बनना चाहती हो, जैसे कि मेरा मतलब स्पाइडर गर्ल। जिसे सुनकर एमजे कहती है कि वैसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ। इतने में ही पीटर का बनाया खाना जल जाता है, जिसे देखकर एमजे हंसने लगती है। तभी पीटर के फोन पर क्राइम अलर्ट का मैसेज आता है, जिसे देखकर पीटर स्पाइडरमैन का सूट पहनकर वहां से जाने लगता है। पीटर को जाता देख एमजे उसे कहती है कि क्या तुमने अपने कपड़े किचन में ही छोड़ दिए हैं। ये सुनकर स्पाइडरमैन अपने कपड़े किचन से उठाकर सोफा पर रखकर क्राइम सीन की ओर पहुंचता है। और डेमन्स के साथ पुलिस की कोर्स फायरिंग होता देख स्पाइडरमैन उन्हें मारकर मिस्टर स्टैंडिश को ढूंढता है, और स्टैंडिश के मिलने पर स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि ये लोग तुम्हारे पीछे डबल ब्रीथ के लिए क्यों पड़े हैं। जिसका जवाब देते हुए स्टैंडिश कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में ठीक से नहीं पता है। लेकिन मिस्टर ऑसबॉर्न काफी साल से उस चीज पर पैसा लगा रहे हैं। अगर उनके पूरे प्रोजेक्ट सीक्रेट होते हैं और मैं ही अकेला हूं जिसके पास रिकॉर्ड है। ऐसा सुनकर स्पाइडरमैन कहता है ये अब से नहीं लगता कि उन लोगों ने सीक्रेट सर्वर से कुछ रिकॉर्ड की कॉपी ले ली है। इतने में उन दोनों पर डेमन्स के लोग हेलीकॉप्टर से हमला करने लगते हैं, जिससे बचते हुए दोनों भागने लगते हैं और एक धमाके की वजह से स्टैंडिश खराब लिफ्ट की जगह पर गिरने लगता है। बहुत ही शानदार सीन के साथ दिखाया गया है कि किस तरह स्पाइडरमैन उसे बचाता है। Almost got him! Try to fall slower! Gotcha! You okay? Yeah. इसके बाद वो स्टैनिश को पुलिस के पास सुरक्षित छोड़कर ली को इन्फॉर्मेशन देकर एमजे की मदद के लिए यूनिवर्सिटी के हॉलोवीन पार्टी में डेलेने को ढूंढता है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर डेलेने के पास पहुंचता है, वो वहां से भागने लगता है। दोस्तों यहां स्पाइडरमैन जैसे तैसे उन्हें पकड़ ही लेता है, परंतु ये क्या, वो तो कोई और एक बच्चा निकलता है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन उसे पूछता है कि डॉक्टर डेलेने कहाँ है। फिर तो वो बच्चा कहता है कि पार्टी में ही होंगे कहीं, वहां जाकर ढूंढो। पार्टी में ढूंढने पर उसे डॉक्टर डेलेने तो मिल जाते हैं, मगर तभी उसे कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे रोकते हुए मस्ती करने लगते हैं। उसी समय डॉक्टर डेलेने को डेमन्स के लोग उठाकर ले जाते हैं, जिसे देखते हुए स्पाइडरमैन बच्चों से पीछा छुड़ाकर डॉक्टर डेलेने के पीछे जाता है। और उनका पीछा करते हुए वो देखता है कि ली वहां डॉक्टर डेलेने से कह रहा है कि तुमने हाल ही में ऑस्कॉर्प लैब में काम किया था, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर डेलेने के ना बताने पर ली अपना रूप बदलता है और डॉक्टर डेलेने पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है। इसे देखते हुए स्पाइडरमैन ली को रोकता है। स्पाइडरमैन को देखकर ली उस पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है और डॉक्टर डेलेने से नाम पूछने लगता है। ली की बात सुनकर डॉक्टर डेलेने उसे डॉक्टर मॉर्गन माइकल्स का नाम बताते हैं। नाम का पता चलने पर ली उसे खुद को शूट करने को कहकर वहां से चला जाता है। हमले के कारण मलबे में फंसा स्पाइडरमैन ली के लोगों को मारने लगता है और ली के पीछे जाता है, मगर ली अपने
पावर से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करके आपस में लड़वा देता है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन स्टूडेंट्स को आपस में लड़ने से रोककर यूरी से डॉक्टर मॉर्गन का पता लगाने के लिए कहता है। ऐसा सुनकर यूरी उससे पूछती है कि ये डॉक्टर मॉर्गन कौन है, जिसे सुनकर स्पाइडरमैन उसे बताता है कि शायद वो डेविल ब्रिथ के प्रोजेक्ट में हेड साइंटिस्ट थे। मगर यूरी से कोई मदद ना मिलने पर स्पाइडरमैन एमजे से कांटेक्ट करके मदद मांगता है, जिसे सुनकर एमजे उसे बताती है कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न शामिल है मेरे ख्याल से, तुम्हें उससे ही पता लगाना होगा डॉक्टर मॉर्गन के बारे में। ऐसा सुनने के बाद वो नॉर्मन के ऑफिस में पहुंचता है और वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करके ऑफिस में एंटर करता है। अंदर जाने पर स्पाइडरमैन नॉर्मन को विल्सन फिस्क से फोन पर बात करते हुए सुनता है और ऑफिस के कंप्यूटर एक्सेस करके पता लगाता है कि GR-27 प्रोजेक्ट ही डेविल ब्रेथ है, जिसमें उन लोगों ने बीमारियों से बचने के लिए एक दवाई डिजाइन की थी, लेकिन अब उन लोगों ने उसे एक बायो वीपन के रूप में तैयार कर लिया है, जिसका सैंपल डॉक्टर मॉर्गन माइकल के पास हमेशा होता है और इसीलिए ली उन्हें ढूंढ रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलने पर स्पाइडरमैन एमजे को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर एमजे उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि नॉर्मन के CFO को मैं उसके बहुत करीब चिप चिप कर सब इन्फॉर्मेशन पता लगा कर तुम्हें बताऊंगी। एमजे की बात सुनकर स्पाइडरमैन सेंट्रल पार्क पहुंचता है और गेम हमें 15 मिनट पहले फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां स्पाइडरमैन एमजे को फोन पर नॉर्मन के कंप्यूटर से मिली इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि उसी वक्त फोन कटने पर एमजे गार्ड से छिपते हुए स्टैंडिस का पीछा करती है और स्टैंडिस तक पहुंचने पर वो मॉर्गन के बारे में पूछने लगती है, पर अचानक से उसे देखकर स्टैंडिस डर जाता है और उस पर गन तानते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें ली ने भेजा है मुझे मारने के लिए। उसे समझाते हुए एमजे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह उन्हें रोकना चाहती हूँ और मैं एक रिपोर्टर हूँ, कोई दुश्मन नहीं। रिपोर्टर का वेश देखकर स्टैंडिश उसे बताता है कि सेबल मेरी बात नहीं मान रही है, उसके पास मॉर्गन माइकल है बॉवरी में और वो लोग उसे किसी सेफ हाउस की तरफ ले जा रहे हैं बिना ग्रैंड सेंसुअल को ध्यान में रखे हुए। जब मुझे डिमंस ने पकड़ा था तब मैंने उन्हें ग्रैंड सेंसुअल के बारे में बात करते हुए सुना था। इतने में स्पाइडरमैन उसके टेंट पर आ जाता है, जिसे देखते हुए स्टैनिश घबरा कर बेहोश हो जाता है। टेंट में आवाज आने पर वहां गार्ड्स आने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए स्पाइडरमैन एमजे को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एमजे उसे बताती है कि मॉर्गन वहीं बॉवरी में कहीं है और कल सुबह या दोपहर में उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। ऐसा सुनने के बाद पीटर डॉक्टर ऑटो के पास लैब में जाता है और उनके प्रोजेक्ट में उनकी मदद करता है। सब कुछ सही चलता है, मगर तभी पीटर देखता है कि डॉक्टर किसी बात को लेकर परेशान है। उनसे उनके परेशानी पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि मेरे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मेरे मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। मेरा दिमाग लगातार काम कर रहा है लेकिन शरीर ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। अब ये बात मेरे अलावा तुम जानते हैं और किसी को बताना मत। जिसे सुनकर पीटर उनसे कहता है कि जरूर मैं यहाँ काम करने इसलिए आया था क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अब पीटर को आंट मे का मैसेज आता है और वो उनसे बात करके माइल्स के पास जाता है। यहाँ कुछ लोग माइल्स को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे देखते हुए स्पाइडरमैन उसे गुंडों से बचाता है, जिसके बाद वो माइल्स को फाइटिंग भी सिखाता है कि किस तरह खुद को बचा लिया जा सकता है। स्पाइडरमैन को बचाने के बाद माइल्स अपने फिस्ट की तरफ जाता है, वहां उसे पीटर मिलता है। पीटर उसे कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए कहता है। पीटर के जाते ही माइल्स वहां के लोगों से मिलने जाता है, मगर एक टीवी को ठीक करने पर उसे न्यूज में उसके पिता की खबर दिख जाती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है।
इसे देखते हुए पीटर वहां से उसे आंट मे के पास लेकर जाता है, जिसके बाद पीटर दुनिया को बचाने के लिए स्पाइडरमैन बनकर डॉक्टर मॉर्गन की तरफ जाता है। इसी दौरान डॉक्टर मॉर्गन पर डेमन्स हमला कर देते हैं और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं कि इतने में ही वह स्पाइडरमैन पहुंचता है और डेमन्स के पीछे दौड़कर उनकी रक्षा की कोशिश करता है। दोस्तों, इस मिशन में बहुत ही मजेदार एक्शन है जिन्हें आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हैं। Yuri, I'm in pursuit of Martin Lee. I think he's got Dr. Michaels and the Devil's Breath. Copy that. More units coming your way. He took Michaels alive, so that's good. Probably so we can force him to make more Devil's Breath. I have to stop that truck, tank, whatever. Or deadly force. There will be no further warning. Whoa, there's a biological weapon in there. All units, open fire. Whoa, why is everyone shooting rockets all of a sudden? You need to clear the guys in the trucks before I go after Lee. Hey, stop shooting! Can we make this quick? I got a date with your boss. Target lost. Reacquire. He is coming, and he will destroy all sinners. Sorry. Lee, hand it over. दोस्तों, ली के नजदीक पहुंचने पर ली स्पाइडरमैन पर भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे स्पाइडरमैन के दिमाग पर ली कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार सिटी हॉल से कर रहा था। मुझे लगा तुम वहां लोगों को बचाने आओगे, मगर तुम नहीं आए। कितने सारे लोग मारे गए उस दिन, लेकिन उन्हें उनका हीरो बचाने नहीं पहुंचा। जिस ऑफिसर ने तुम्हारी जान बचाई थी, वो भी तुम्हारी ही वजह से मर गया है। मास्क पहनो और हम जैसे बन जाओ। मगर स्पाइडरमैन उसकी बात नहीं सुनता और उसके मायाजाल को तोड़ते हुए होश में आ जाता है। होश में आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उनके ट्रक को रोक देता है। मगर डेमन्स डेविल ब्रेथ को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इतने में वहां सेवल अपनी फोर्स के साथ आती है और स्पाइडरमैन को सुनाने लगती है कि कैसे हीरे हो तुम, ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा सुनकर स्पाइडरमैन कहता है कि मेरी गलती कैसे हुई, ये वो तुम्हारे प्रोडक्शन में था। और दोस्तों, बातों बातों में सेवल स्पाइडरमैन पर हमला करने लगती है, जिसे रोकते हुए मॉर्गन कहता है कि हमें पहले ये सब मिस्टर ऑसबॉर्न को बताना चाहिए। उनके जाने के बाद यूरी उसे एक पार्किंग लॉट में डेमन्स के होने के चांसेस बताती है, जिसे सुनकर वो वहां जाता है, मगर डेमन्स वहां से भी भाग चुका होता है। ऐसा देखकर स्पाइडरमैन एमजे को फोन लगाता है, पर एमजे का फोन बंद आता है। दूसरी तरफ एमजे को जीसीटी में ली मिलता है और उसे चुपचाप अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर एमजे वहां पुलिस से मदद मांगने लगती है, जिस वजह से वहां ली के लोगों ने मारते हुए
एमजी और डिस्ट्रॉयर को और अपने जीसीटी को अपने कब्जे में ले लेते हैं कि तभी ली नॉर्मन को फोन करके जीसीटी में आने के लिए कहता है। उसी समय एमजे स्पाइडरमैन को मैसेज भेजकर सारी जानकारी दे देती है। स्पाइडरमैन के डिस्ट्रक्ट करने पर एमजे चुपके से ड्रोन को कंट्रोल करने वाले टैबलेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी एक सिविलियन ली के लोगों से लड़ने की कोशिश करता है जिसे वो लोग पकड़ लेते हैं और उसे बचाने के लिए एमजे उनकी मदद करने का वादा भी करती है। जिसे सुनकर डेमन सिविलियंस को छोड़ देता है और एमजे को अपने साथ ले जाता है, मगर स्पाइडरमैन एक एक करके उन लोगों को छिपते हुए मारता रहता है, जिसकी मदद से एमजे टैबलेट तक पहुंचकर ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ड्रोन पर कंट्रोल होने पर स्पाइडरमैन उसे आकर कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाता हूं। जिसे सुनकर एमजे उसे कहती है कि नहीं, हम पार्टनर हैं, हम मिलकर उन्हें रोकेंगे। एमजे की बात मानकर ये यहां फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं और तभी वहां ली भी आ जाता है और बॉम्ब्स के टाइमर को स्टार्ट करने को कहता है। उसके लोगों से बचते हुए एमजे उनका बॉम्ब डिफ्यूज कर देती है, जिसके बाद स्पाइडरमैन बाकी के डेमन्स के लोगों को मारकर सिविलियंस को भगा देता है और ली को ट्रेन में भागने से रोकने की कोशिश करते हुए उससे लड़ता है। लड़ते लड़ते स्पाइडरमैन ली को इंजन के कंट्रोलर पर हिट करके बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो ट्रेन को रोककर ली को जेल में डलवा भी देता है। No brakes? No problem. That totally worked last time. Yuri, are they still doing construction on 42nd and 1st? Streets closed for another month. Why? ली को पकड़वाने के बाद पीटर लैब में जाकर डॉक्टर ऑटो से मिलता है, जो कि पीटर को देखकर सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर को खुश देखकर पीटर उनसे पूछता है कि प्रोजेक्ट का आर्म कहाँ है। ऐसा सुनकर डॉक्टर उसे अपने से कनेक्ट आर्म दिखाते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में चेक करने के लिए कहते हैं। प्रोजेक्ट को चेक करने पर पीटर को पता चलता है कि न्यूरल वेब आइसोलेट मोटर न्यूरॉन्स की वजह से कुछ पार्ट डॉक्टर ऑटो के दिमाग पर अफेक्ट कर रहे हैं। वो ये सब डॉक्टर को बताता है, मगर डॉक्टर ऑटो गुस्से से उसे कहते हैं कि मैंने काफी टेस्टिंग कर ली है, पहली बार मैं खुद को फेलियर नहीं समझ रहा हूँ। ऐसा सुनकर पीटर उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम फेलियर नहीं हो, लेकिन अगर तुम इस समस्या को ठीक नहीं करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए डैमेज कर देगा। पीटर की बात सुनकर डॉक्टर ऑटो उसकी बात मानकर उस पर काम करने के बारे में सोचते हैं और पीटर को घर जाने के लिए कहते हैं। पीटर के जाते ही न्यूज पर नॉर्मन को देखकर डॉक्टर ऑटो फिर से आर्म से कनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ पीटर आंट मे के घर जाता है, जहां मे उसे एमजे के बारे में पूछती है क्या सब ठीक है तुम दोनों के बीच, जिसका जवाब देते हुए पीटर कहता है कि थोड़ा मुश्किल है बताना। पीटर की बात समझकर मे कहती है कि क्या तुम उसके साथ ऑनेस्ट थे। तभी एक और टीवी पर हमले की खबर आती है, जिसे देखकर पीटर वहां से चला जाता है। फिर क्राइम सीन पर पहुंचने पर स्पाइडरमैन को यूरी बताती है कि जेविल ब्रेथ को कोई ले गया है और अब हमारे सामने उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। किसी बाहर वालों की मदद से कैदी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा सुनकर स्पाइडरमैन पुलिस की मदद करते हुए कैदियों को पकड़वाने की कोशिश करता है। इतने में इन पर इलेक्ट्रॉल्स हमला कर देते हैं, जिससे बचने के बाद स्पाइडरमैन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी एक दरवाजा खोलते हुए उस पर राइनो भी हमला कर देता है और थोड़ा आगे जाने पर स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियो मैन पकड़ लेता है, जिससे बचने के बाद वो इलेक्ट्रो को
पकड़ने जाता ही है, मगर जैसे ही उसके हाथ इलेक्ट्रो लगता है तभी उस पर वल्चर हमला कर देते हैं, जिसके हाथ से निकलकर स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो का पीछा करता है और एक टावर की ओर पहुंचता है जहां सारे विलेन आकर एक साथ उस पर हमला करने लग जाते हैं। Idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to. No! और उसे मारते हुए उसके सामने डॉक्टर ऑटो भी आ जाता है, जो स्पाइडरमैन को अपने रास्ते से दूर रहने के लिए कहकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद यूरी स्पाइडरमैन को बचाती है। और दूसरी तरफ शहर में डॉक्टर ऑटो नॉर्मन की तरफ डेविल ब्रेथ को एक्सपोज कर देता है, जिससे शहर में सब पर उसका असर होने लगता है। इसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगते हैं, जिसके बाद स्पाइडरमैन ठीक होने के बाद फिर से सिटी में आकर डॉक्टर ऑटो को ढूंढता है। उसी वक्त यूरी उसे इलेक्ट्रो और राइनो का लोकेशन बताती है, जिन्हें देखकर वो इलेक्ट्रो का ट्रांसफार्मर डिस्ट्रॉय करके शहर के लोगों को बचाता है। कि तभी उसे एमजे बताती है कि आंट में आग में फंसी हुई है। ऐसा सुनकर स्पाइडरमैन उन्हें बचाने बिल्डिंग में घुसता है और देखता है कि आंट मे के साथ माइल्स भी है। तभी स्पाइडरमैन उन्हें विंडो से होकर जाने के लिए कहता है, मगर दूर होने के कारण वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं। कि तभी वहां विंडो से एमजे आकर उन्हें बचाने लगती है, मगर स्पाइडरमैन पर बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है, जिस वजह से वो आग में गिरने ही वाला होता है कि गिरते गिरते इसे माइल्स पकड़ कर बचा लेता है। No! वहां से बचने के बाद स्पाइडरमैन एमजे से पूछता है कि क्या हम अभी भी पार्टनर हैं? जिसे सुनकर एमजे कहती है कि हाँ, हम हमेशा पार्टनर रहेंगे। तभी वहां उसके बीच माइल्स आता है और कहता है, मैंने तुम दोनों को परेशान तो नहीं किया? जिसे सुनकर एमजे उसे बताती है कि सिटी खतरे में है बस, और स्पाइडरमैन को हमसे सिटी को बचाने के लिए मदद चाहिए। ऐसा सुनकर माइल्स कहता है कि ठीक है। तब स्पाइडरमैन एमजे को कहता है कि नॉर्मन के पास जरूर डेविल ब्रेथ का एंटीडॉट होगा, तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो, और माइल्स मैं चाहता हूँ कि तुम फिस्ट पर ध्यान रखो। ऐसा सुनकर माइल्स उसे कहता है कि कोई मुसीबत हुई तो मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा, तुमने तो मुझे अपना नंबर दिया ही नहीं। माइल्स की बात सुनकर स्पाइडरमैन एमजे से उसे नंबर लेने को कहकर वहां से चला जाता है, और सिटी में जाने के बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑटो को ढूंढते हुए उनके सीक्रेट प्लान रूम तक पहुंचता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर ऑटो के ट्रैप में फंस जाता है, जिससे बचते हुए स्पाइडरमैन वहां से बाहर कूदता है। लेकिन बाहर उसे वल्चर पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रो के पास छोड़ते हुए उसे प्लान बी को शुरू करने को कहकर चला जाता है। उसके जाते ही इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है, जिसे बचते हुए स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो और वल्चर दोनों से लड़कर उन्हें हराकर पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद स्पाइडर स्कॉर्पियन मैन स्पाइडरमैन पर पॉइजन का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के बाद वो आंट मे के पास जाता है और आंट मे उसे देखकर बहुत खुश होती है। कि तभी आंट मे खून की खांसी करने लगती हैं, जिन्हें देखते हुए पीटर उन्हें कहता है कि आप मुझे अपनी तकलीफ क्यों नहीं बताती हो। पीटर की बात सुनकर मे कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ।
माइल्स हमारी बहुत मदद कर रहा है। ऐसा सुनकर पीटर माइल्स को फोन करता है। दूसरी तरफ माइल्स क्रिमिनल्स के बीच छिपते हुए दवाइयां हासिल कर रहा होता है। कितने में ही वो देखता है कि राइनो पुलिस वालों को मार रहा है। उनकी नजरों से बचते हुए माइल्स वहां से भाग जाता है, मगर सिटी में क्रिमिनल्स को सिविलियंस को परेशान करता देख वो उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है, जिस वजह से ये लोग माइल्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन माइल्स उनसे नहीं डरता है और स्पाइडरमैन के सिखाए तरीकों को यूज करके उन्हें मारकर फीस्ट पहुंचता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन यूरी की मदद से राइनो के लोकेशन पर पहुंचता है और उससे लड़कर घायल कर देता है, जिसे देखकर स्कॉर्पियन मैन राइनो को फेलियर कह देता है, जिसका फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन उन दोनों को कंटेनर में बंद कर देता है और फिर डॉक्टर ऑटो के साथ ली को पकड़ने जाता है। दूसरी तरफ एमजे नॉर्मन के पेंट हाउस में छिप कर घुसती है। तभी वह नॉर्मन सेबल से झगड़ते हुए आता है, जिसकी नजर से बचते हुए दे सर्च रूम से जानकारी लेकर भागने ही वाली होती है कि उससे एक स्पाइडरस का बाउल टूट जाता है। ये आवाज सुनकर वहां सेबल आती है। उसकी नजर से बचते हुए एमजे भाग ही रही होती है कि तभी उसे कुछ गार्ड्स देख लेते हैं, जिसे बचने के लिए वो स्पाइडरमैन को बुलाती है और बिल्डिंग से कूद जाती है। लेकिन उसे स्पाइडरमैन बचा लेता है, जिसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताती है, जिसे सुनकर स्पाइडरमैन शॉक्ड रह जाता है। हैरी ठीक नहीं है इन लोगों की वजह से, ये सब मेरी ही गलती है। इसे सुनकर एमजे उसे समझाती है कि तुम नॉर्मन को ढूंढो, तब मुझे एंटीडॉट मिल जाएगा। एमजे की बात सुनकर स्पाइडरमैन नॉर्मन के पास पहुंचता है, मगर वहां पहले से ही ली उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर तभी उस पर सेबल हमला करते हुए कहती है कि मुझे एक रीजन बताओ तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए। इस पर स्पाइडरमैन उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और मैं तुम्हें, मगर ली नॉर्मन को अपने साथ ले गया है और वो उसे मार भी सकता है। स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैं जानता हूं कि नॉर्मन की वजह से तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर हुए, लेकिन वो सब तुम्हारा पास्ट था। अपने पास्ट को अपने पर हावी होने मत दो। और तभी कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है, जहां मॉर्गन एंटीडॉट का एक लोटा सैंपल ली को देता है, जिसे लेकर ली नॉर्मन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी गेम प्रेजेंट में आ जाती है और उसे स्पाइडरमैन रोकते हुए कहता है कि ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारे माता पिता वापस नहीं मिल जाएंगे। स्पाइडरमैन को देखकर ली कहता है तुम मुझे इन्हें मारने क्यों नहीं दे रहे हो, जिसे सुनकर स्पाइडरमैन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ली बदले को जीतने मत दो, मगर ली पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वो स्पाइडरमैन पर हमला कर ही देता है, जिसे रोकते हुए स्पाइडरमैन उससे लड़कर उसे हरा कर उसे एंटीडॉट छीन लेता है। तभी वहां डॉक्टर ऑटो भी आ जाता है, जो आते ही स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर बेहोश करके एंटीडॉट ले जाता है। इसके बाद नॉर्मन को पकड़कर ऑटो वहां से चला जाता है। उनके जाते ही वहां सेबल और मॉर्गन आते हैं, जो स्पाइडरमैन की हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने ही लगते हैं, लेकिन उन्हें रोकते हुए स्पाइडरमैन उन्हें फीस्ट ले जाने के लिए कहता है। वहां फीस्ट में उसे घायल देखकर एमजे परेशान हो जाती है, लेकिन होश में आते ही स्पाइडरमैन एमजे से आंट मे के बारे में पूछता है। एमजे उसे आंट मे के पास ले जाती है और बताती है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कभी भी गुजर सकती हैं। जिसे देखते सुनने के बाद वो डॉक्टर ऑटो को ढूंढने जाता है, पर घायल होने की वजह से वो गिर पड़ता है। जिसे देखते हुए एमजे उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इस हालत में स्पाइडरमैन बनकर उसे नहीं हरा सकते हो, लेकिन पीटर उसे हरा सकता है। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, डॉक्टर ऑटो की भी है। एमजे की बात सुनने के बाद स्पाइडरमैन वहां से जाने लगता है। उसी टाइम नॉर्मन के लैब से एमजे के साथ एक मकड़ी फीस्ट में आ जाती है, जो माइल्स को काट लेती है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन लैब जाकर अपने सूट को अपग्रेड करके डॉक्टर ऑटो की तरफ जाता है, जो नॉर्मन को लेकर ऑस्कॉर्प टावर के टॉप पर जाता है।
वहां डॉक्टर ऑटो कहता है कि तुम मुझे भीख मंगवाना चाहते थे ना, वो कभी नहीं हो सकता था। दुनिया सब सच्चाई जानेगी, तुमने मेरी कंपनी चुराई, मेरे आइडियाज चुराए, अब सच्चाई बताओ सबको। जिसे सुनकर नॉर्मन कहता है कि सच्चाई सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मैं तुमसे बेहतर था, तुम एक फेलियर हो और कुछ नहीं। नॉर्मन की बातें सुनकर वो ऑटो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन नॉर्मन को स्पाइडरमैन बचा लेता है और डॉक्टर ऑटो से जाकर लड़ता है। लड़ते हुए स्पाइडरमैन का मास्क फट जाता है और डॉक्टर ऑटो उसे पहचान लेता है और वो उसे मारने की कोशिश भी करता है। जिसे देखते हुए स्पाइडरमैन उसे मारते हुए डॉक्टर ऑटो के रोबोटिक आर्म को तोड़कर उसे मार गिराता है। इसके बाद आखिरी समय में डॉक्टर ऑटो उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए बेटे जैसे थे और मुझे नहीं लगा कि तुम भी दूसरों की तरह मेरे खिलाफ हो जाओगे। ऐसा सुनकर स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें अपना हीरो माना, एमजीआर तुमने अपने दिमाग को लोगों की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया, तुमने गलत रास्ता चुना। जिसे सुनकर डॉक्टर ऑटो उसे कहते हैं कि तुम सही हो, लेकिन अब हम मिलकर इसे ठीक करेंगे अगर तुम मेरा साथ दोगे तो। लेकिन स्पाइडरमैन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। जिसे सुनकर डॉक्टर ऑटो कहता है कि तुमने मुझसे मेरे हाथ छीन लिए हैं, अब मैं इस बेजान बॉडी का क्या करूँगा, मेरी मदद करो पीटर, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, और याद है ना तुम्हारा सीक्रेट भी मैं जानता हूँ। जिसे सुनकर स्पाइडरमैन उसे वहीं छोड़कर हॉस्पिटल चला जाता है। वहां मॉर्गन उसे कहता है कि आंट मे के पास ज्यादा समय नहीं है। जिसे सुनकर स्पाइडरमैन मॉर्गन से कहता है कि अगर मैंने इन्हें अभी एंटीडॉट दिया तो क्या होगा, तो मॉर्गन कहता है कि तो फिर तुम उसे किसी और को दे नहीं पाओगे, फैसला तुम पर है। जिसके बाद स्पाइडरमैन मे से कहता है कि आप ठीक हो जाओगी, मेरे पास एंटीडॉट है। स्पाइडरमैन को देखकर मैं उसे मास्क उतारने के लिए कहती है। स्पाइडरमैन के मास्क को उतारने पर पीटर उनसे कहता है कि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। इसका जवाब देते हुए मैं कहती है कि मुझे काफ़ी समय पहले ही ये बात पता चल चुकी थी, मुझे तुम पर गर्व है और तुम्हारे अंकल को भी होगा, सारी दुनिया को तुम पर गर्व है, मैं जानती हूँ तुम सही फैसला लोगे। इतने में आंट मे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसे देखते हुए पीटर एंटीडॉट का इस्तेमाल करने की सोच रहा होता है, मगर उसका दिल उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अगर वो इन पर इसे इस्तेमाल कर देगा तो पूरी दुनिया को इससे नहीं बचा पाएगा। आंट मे के गुजरने के बाद एंटीडॉट को लोगों के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑटो को भी जेल हो गई। फिर 3 महीने बाद एमजे पीटर को अपने प्रमोशन के बारे में बताती है और पीटर को अपने साथ रहने के लिए कहती है। जिसके बाद सामान चेंज करते हुए माइकल वेटर को बताता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमें एक और स्पाइडरमैन दिखाया जाता है। और अंत में नॉर्मन अपने सीक्रेट लैब में अपने बेटे को देख कर कहता है कि मैं क्योर ढूंढ लूंगा एक दिन। दोस्तों इसी के साथ अंत होता है हमारी स्पाइडरमैन की स्टोरी का, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल टच दे कर गई है। तो दोस्तों हमें बताना न भूलेगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबाकर अपने पास रैंडम नोटिफिकेशंस पाने का रास्ता बना लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे हिंदी स्टोरी के नए एपिसोड के साथ, जो कि शैडो ऑफ द टॉम रेडर की होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।